अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और आई टी पलीपी की 12th फेयर चल रही है ये, और आज थर्ड डे है इसका। और हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं ये यूनिवर्सल केबल के स्टॉल पे मौजूद है। यूनिवर्सल केबल जाना पहचाना नाम है और हम जिनसे बात करेंगे सैयद गौरुल इस्लाम साहब हैं जो कि जनरल मैनेजर फैक्ट्री हैं, और हम इसे जानते हैं कि आज थर्ड डे है तो क्या रिस्पॉन्स है एग्ज़िबिशन का। सर प्लीज़ बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़िबिशन का, इस आई ट्रिपल ई की एग्ज़िबिशन का एक अपना मिजाज है और इसमें सारी इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग आते हैं। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब लोग अवेलेबल होते हैं और सब लोग अपनी पुरानी और नई प्रोडक्ट के साथ और उसको रीमैम्प करके अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमने भी इस साल इंशाल्लाह कोई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और R&D करके फिर उनको हमने इस साल की आई ट्रिपल ई के लिए इंट्रोड्यूस भी किया। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जैसे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और आप लोगों ने भी इस पर तवज्जो दी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट में अगर लोकल मैन्युफैक्चर आते हैं तो किस तरह से इसको सपोर्ट की जाए, यानी क्या सपोर्ट चाहिए जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करें? लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी तो ये है कि गवर्नमेंट जो है उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी इम्पोर्ट को आसान करें। ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है और जो यहाँ लोग बनाते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है जो आजकल की सिचुएशन है उसकी वजह से। तो अगर वो प्रोडक्ट चाहे PVC हो, चाहे आपका स्टील वायर्स हैं, यही अवेलेबल है यहाँ लोकल। बाकी तो PVC है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट है, उसका रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है, PVC इम्पोर्ट होता है, XLP भी इम्पोर्ट होता है, ये कॉपर इम्पोर्ट होता है, एल्युमिनियम इनगट इम्पोर्ट होता है, ये सारी इम्पोर्ट जो है ये इसके लिए गवर्नमेंट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसानियां करनी चाहिए। तो वो जैसे जैसे कर देंगे इंशाल्लाह, दुनिया में कोई ऐसी केबल नहीं है जो यहाँ का मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता। स्पेशली यूनिवर्सल केबल के पास वो टीम मौजूद है जो हर किस्म का केबल यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकती है। लास्ट हमने अभी किया था ABC केबल पूरे कराची में लगा है, इसकी सारी की सारी ऑलमोस्ट हमारी ही सारी सप्लाई दी हुई है, हर किस्म का ABC 95 mm, 50 mm, 16 4 core, 16 single core, 10 2 core, ये सब हमारे ही प्रोडक्ट है और हमसे ही लोगों ने सीखा है। इसी तरह सोलर केबल है वो हम करते हैं। आजकल हम दो कंडक्टर्स हैं जो ज़्यादा आइंदा फ्यूचर में यूज़ होंगे, एक है ग्रेली कंडक्टर, ये आप मेरे पीछे भी नज़र आ रहा होगा, ये हम बनाते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। ये कंडक्टर इंपोर्ट होता था। इसी तरह एक और कंडक्टर है केरो, एक और कंडक्टर है बंटी, ये सब की मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह हम करने भी जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, और इनकी सब चीज़ें इंशाल्लाह यहीं लोकली डेवलप की हैं बजाय इंपोर्ट के, ये यहीं इंशाल्लाह बना के, और बाबडा है, के इलेक्ट्रिक है और भी यूटिलिटीज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह देंगे। तो सर इंडस्ट्री से इस जो आपने लेकर आए टेक्नोलॉजी, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा इसके फीचर बेनिफिट डिस्कस करें। ये इंडस्ट्री को तो पाएगा ही, लेकिन ज़्यादा बाबडा और के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा होगा। ये जो यूटिलिटीज़ हैं, ये जो इस वक्त एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रही हैं उसके बजाय अलॉय यूज़ करेंगी और उसका एक अपना एडवांटेज है और फ़ायदा है, और वो फ़ायदा फ्यूचर में उसकी लाइफ ज़्यादा है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सब लोग इसी तरफ अब जा रहे हैं। स्पेशली बाबडा वो डेवलप करना चाहता है, बाबडा को ये ग्रेली कंडक्टर अलॉय, ABC में भी एक कोर अलॉय की है जो न्यूट्रल है, तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहीं ड्रॉ भी करते हैं, यहीं हीट ट्रीटमेंट करते हैं और यहीं हम कंडक्टर बनाकर देते हैं। पहले ये सब इम्पोर्ट होता था, अब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया गौरुल इस्लाम साहब। वेवर्स, आपने देखा कि ये यूनिवर्सल केबल के गौरुल इस्लाम साहब थे और इन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो लॉन्च की उसके बारे में डिस्कस किया, और इस तरह की वीडियोस को देखने के इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।